शिव मुकेश का नमस्कार। चलिए आलो हम सीखते हैं मैसूर पाक। ये बहुत आसान सा तरीका। फर्स्ट ऑफ थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब के लिए, आप मेरे चैनल के लिए थैंक यू। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सी, आपको चाहिए बेसन और थोड़ा सा शुगर, ठीक है, और आपको चाहिए ऑयल, आप घी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, ठीक है, ओके। नाउ इसको गर्म करने चढ़ा देते हैं, क्योंकि ये एकदम गर्मा गर्म रहने से अच्छा क्या, जब मिलाना होगा तभी डालेंगे। चलिए वो एक पैन ले लीजिए आसानी से, बाय सिंपल, और उसमें आप शुगर डाल दीजिए। शुगर जो है 250 ग्राम मैंने डाला है, और बेसन भी ऑलमोस्ट 260 जो है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए, ज़्यादा नहीं। चलिए शुगर में जब भी डालिए, सो अगर एक है तो 1/4, थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं। एक किलो में 200 से 300 ग्राम, और ये ऑयल है जो आप मिला सकते हैं, ऑलमोस्ट लाइक लिक्विड हो जाना चाहिए, ठीक है। और मैंने एक कंटेनर में थोड़ा सा बटर लगा के साइड रख दिया है, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे शुगर को बॉईल करना, देखिए, और तेल एकदम गर्म रखे हैं, बेसन इधर मिला के मैंने साइड रखा है। आसान सा तरीका मैं बताता हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करना। अभी देखिए शुगर जब बॉयल हो गया, अब देखिए तार बनना चालू हो गया, तार स्टार्ट हो गया, मतलब मैंने कि एक कड़ी तार होना था, आप उसको सीधा अपने जो बेसन मिलाया हुआ है वो उसमें आप मिलाइए, ठीक है। अब जैसे ही मिलाएंगे देखिए वो बबल आना चालू हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं। एक बार देखिए मिला के, ये देखिए पूरा मिल रहा है, लेकिन थोड़ा बबल्स आएगा क्योंकि आपने डाला, अभी काफ़ी है ये मेरा बात, आपने उसको मिलाया, जैसे ही मिलाएंगे देखिएगा आपको, क्योंकि वो गरम एकदम जो शुगर सिरप है एकदम गरम है ना, तो ऊपर आएगा। अब देखिए जो गर्मा गर्म जो तेल है ना, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा, देखिए अब जैसे डालिएगा तो वो बबल बन के ऊपर आएगा। यही जो कुकिंग होता है, इसी का ही कमाल होता है मैसूर पाक में, ज़्यादा मेहनत नहीं, टेक्निक होता है। इंडियन स्वीट जब भी बनाते हैं उसमें एक टेक्निक होता है, एक स्किल होता है उसको, समझ, देखिए आप ध्यान से देखिए तो उसमें वाइट वाइट बबल्स आ रहे हैं ना, बस उसी का ध्यान रखना है आपको। बस देखिए थोड़ा डालें, ये मिक्स किए, अभी देखिए ये पूरा उबाल तक ऊपर आएगा, इस जो फोम उठ रहा है उसी को मेंटेन करना है, ठीक है। अभी कुक भी हो रहा है, बराबर कीजिए उसको, बराबर मिलाइए, और धीरे धीरे करके ऑयल डालते रहिए, ठीक है। और जैसे ही आप डाल के पूरा ऊपर आ गया है, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, डाल देता हूँ, मेक श्योर कि उसके जो फॉर्म में कंफर्ट रही है। ये देखिए मेरा डन हो चुका है, मैं आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ठंडे में, ये देखिए उसमें एक गैप मिलेगा, उसमें ऊपर थोड़ा सा कुक और थोड़ा सा ब्राउनिश होगा, यही चीज मैं बताना चाह रहा था, ऊपर में और एक गैप जैसा होगा, ठीक है। ये है मैसूर पाक, ये है कम्प्लीट मैसूर पाक, बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, रेसिपी का भी ज़्यादा इसमें नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।